हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योगी ऑटोमोबाइल्स। और भाई आज हमारे सामने है किया कारेंस प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई इसके इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन रोड प्राइसिंग, क्या कुछ फीचर्स आपको 2023 में आपको मिलते हैं ऑफर किया है किया ने, आज इस वीडियो में फुल कवर करने वाले हैं भाई। अगर आप इस चैनल पर न हो तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अराइविंग वीडियोस। एंड वन मोर थिंग यार, अगर आप इस गाड़ी को परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर कोई भी गाड़ी परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में डीलर का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डीलर को कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो फॉर योर इंक्वायरीज एंड बुकिंग। सो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। इसके फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करूँ यार, तो बहुत ही मस्कुलर लुक आपके यहाँ पे किया की मिलने वाली है। एंड फ्रंट में आप देखोगे यहाँ पे आपको मिड में आपको यहाँ पे किया की बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो केएन की तरह लगती है बट है भाई किया की बैचिंग ही है। एंड यहाँ पे आप देखोगे यार पूरा आपके यहाँ पे जो है ना पियानो ब्लैक फिनिशिंग का ट्रीटमेंट मिलने वाला है, जो यहाँ पे कुछ मोमेंट्स दे रखे हैं भाई, बहुत प्यारा लुक लग रहा है यार। एंड आपके यहाँ पे क्रोम इंसर्टेड ग्रिल भी मिल जाती है, जो ये ब्लैक ट्रीटमेंट में भाई जो ग्रे में ये दिया हुआ है ना, बहुत प्यारा लुक लग रहा है यार। एंड अगर हेडलैम्प्स और बात करो यार, तो यहाँ पे जो आपको हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, हैलोजन हेडलैम्प सेटअप आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। यहाँ पे आप देखो साइड इंडिकेटर का प्लेसमेंट, अपर में जाओगे थोड़ा सा बहुत ब्यूटीफुल आपके यहाँ पे डीआरएस देखने को मिल जाती है, जो आपके यहाँ पे एलईडी डीआरएस ऑफर की गई भाई कंपनी के थ्रू। एंड थोड़ा सा अगर डाउन पर अगर देखोगे तो आपके यहाँ पे भी आपको जो फ्रंट स्किड प्लेट है, फ्रंट स्किड प्लेट में आपको सिल्वर कलर का यहाँ पे आपको जो इंसर्टेड आपको भी क्रोम मिल जाती है, जो बहुत प्यारा लुक लग रहा है यार। एंड सेफ्टी अगर बात करूँ तो भाई किया कारेंस में आपको फ्रंट में भी आपको यहाँ पे फोर पार्किंग सेंसर ऑफर की जाती है, जो भी बहुत सही है। सेफ्टी को मेज़र किया गया भाई इस गाड़ियों में। एंड थोड़ी साइड में अगर आती है यार, इसके जो एक चीज़ है भाई बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रही है, इसके अलॉय व्हील्स भाई बहुत प्यारा लुक लग रहा है यार। डुअल ट्यून पे आपको अलॉय व्हील्स मिल रही है, अलॉय व्हील्स में आप देखोगे आपको किया कि आपको आपको बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो बहुत ही प्यारा अलॉय व्हील्स लग रहा है। टायर सेक्शन की अगर बात करूँ यार, आपको यहाँ पे टायर सेक्शन मिलने वाली है 205/65R16 की, आपके यहाँ पे टायर ऑफर करती है भाई कंपनी, मतलब भाई टायर का भी बहुत यूज आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर इस गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस की अगर बात करूँ यार, तो ग्राउंड क्लीयरेंस भी आपको बहुत मतलब सफिशियंट मिल जाता है, 195 mm के इसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है। साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर्च किट मिल जाती है, आर्च किट के साथ आपके यहाँ पर साइड मोल्डिंग भी आपको भाई ये चीज़ मिल जाता है, जो आपको डोर को मतलब बहुत सेफ रखती है, बहुत सही है यार। मतलब ये गाड़ी में मतलब मिल रही है भाई, इसके कंपैरिजन आप देखेंगे, आप अर्टिगा में देखेंगे तो ये चीज़ आपको अर्टिगा में देखने को नहीं मिलती है भाई। इसके ऑर्बेंस अगर बात करें तो बॉडी कलर के बारे में भी साइड इंडिकेटर कंपनी आपको ऑफर करती है। एंड एबीसी पिलर की बात करेंगे यार, तो यहाँ पे एबीसी पिलर जो है ना आपको ब्लैक टाइप की फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। एंड रियर में आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वार्टर पैनल ग्लास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई, जो बहुत सही लुक लग रहा है। मतलब सामने से देखो भाई लग्जरियस लग रही है भाई गाड़ी, मतलब 14 लाख के रेंज में यार भाई लग्जरियस गाड़ी आपको मिल रही है भाई। इसके डोर हैंडल्स की अगर बात करें तो बॉडी कलर डोर हैंडल भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ऑफर करती है कंपनी। यहाँ पे आपको विंडो फ्रेम किट भाई कंपनी फिटेड ही आपको मिलती है, मतलब एक्स्ट्रा से आपको यार एज एसेसरीज आपको फिट नहीं करवानी है, जो कि आपके यहाँ पे पूरा पीछे तक आपको ऑफर किया गया भाई, बहुत प्यारा लुक लग रहा है यहाँ साइड से। एंड अपर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो रूफ रेल मिल रहा है सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ मिल रहा है, एंड साइड से एंड फ्रंट से आप देखो तो बहुत प्यारा लुक इसका भी आ रहा है। एंड वन मोर थिंग यार, आपको ये बता दूँ इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, एबीएस एंड एबीडी ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करती है। इसका सस्पेंशन सेटअप की बात बता दूँ तो आपको फ्रंट में जो मिलने वाली है मैक पर्सन स्टार्ट विद कॉइल स्प्रिंग के साथ मिलने वाली है, रियर में आपको जो मिलने वाली है भाई टॉर्सन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग के साथ भी मिलने वाली है भाई। फोर व्हील आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अर्टिगा में आपको ये चीज़ नहीं मिलता, फ्रंट में भी आपको बस डिस्क ब्रेक मिलनी है। सो भाई ये चीज़ तो भाई मुझे जो है ना किया कारेंस की भाई बहुत अच्छी लगी, मतलब ज़्यादा फीचर्स आपको इस गाड़ी में अर्टिगा से मिलते हैं भाई। एंड अगर बात करें भाई इसके रियर प्रोफाइल की, भाई रियर प्रोफाइल बहुत ही आपको यहाँ पे जो है भाई बहुत प्यारा एंड बोल्ड लुक में आपको मिलने वाली है। एंड भाई इसके टेल लैम्प्स यार वाह यार, मतलब बहुत ही लवली लुक में आपको यहाँ पे मिलने वाली है, एलईडी टेल लैम्प्स आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। एंड आप यहाँ पे जो डाउन पर देखोगे तो आपको यहाँ पे साइड इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंड आपको रियर पार्क रिवर्स लाइटिंग आपको वहाँ पे ऑफर की गई है। एंड एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर TZDI की बैचिंग भाई, इसकी इंजन की सीरीज़ है TZDI, जो आपको यहाँ पर रियर में बैचिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे फिर से यार किया की ब्रांडिंग लोगो, एंड यहाँ पे आप देखोगे कारेंस की बैचिंग देखने को भाई मिल जाती है भाई, बहुत प्यारा है, मतलब जिस तरीके से लिखा भाई बहुत प्यारा लुक आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये रहा भाई इसकी रियर प्रोफाइल, कर्व्स एंड दे रखे हैं भाई, बहुत प्यारा लुक लग रहा है। एंड रियर विंडशील्ड में आप देखोगे तो वाइपर वॉशर डिफॉगर तीनों चीज़ आपको यहाँ पे ऑफर की गई है कंपनी के द्वारा। एंड यहाँ पे आप देखो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, बट एंटीना की बात करें तो भाई शार्क फिन एंटीना आपको कंपनी ऑफर करती है। एंड यहाँ पे आप देखो रियर स्किड प्लेट विथ आपके यहाँ पे सिल्वर कलर इंसर्टेड आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है, जो रियर से भाई बहुत प्यारा लग रहा है। एंड वन मोर थिंग यार, यहाँ पे आप देखोगे ना
तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग का ट्रीटमेंट दे रखा है भाई। रियर में अगर सेफ्टी अगर बात करें तो 4 पार्किंग सेंसर विद पार्किंग कैमरा भाई, यहाँ पे आप देखोगे तो पार्किंग कैमरा भी ऑफर कर रखे कंपनी में। यहाँ पर ड्यूअल लाइट्स आपको मिल जाती है जो कि रात में आपको जो नंबर प्लेट हो इजिली विजिबल हो जाए इसके लिए भाई। एंड चलो कर लेते भाई आप बूट को ओपन करने के लिए आपके यहाँ पे मैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, जिसके लिए भाई कुछ हसल ही नहीं करना है, ये मैग्नेटिक बटन है, पुश करते ही आपकी जो है बूट फुल्ली ओपन हो जाएगी भाई। बूट ओपन होते ही कुछ आपको इंटरफेस जो आपके मिलने वाला है कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। बूट स्पेस की बात करूँ तो 216 लीटर के आपके यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है बूट स्पेस। लोगों को फोल्ड करोगे यार तो ऑब्वियसली आपका जो बूट स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे 3 kg का हुक होल्डर, यहाँ पे हुक मिल जाता है, यहाँ पे मैक्स 3 kg लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको हुक मिल जाता है भाई। यहाँ पे आप देखोगे बूट लाइट एंड एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील की बात करें तो भाई यहाँ पे तो नहीं मिला यार, चलो देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ बात करें अपन एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील की, भाई यहाँ पे उसका बोल्ट दे रखा है, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आप बोल्ट ढीला करोगे आपका एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील नीचे प्लेस्ड है, वो आपके ढीला होकर नीचे आ जाएगा। तो आप देखो एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील जो आपका डाउन पे प्लेस मिल जाती है। एंड रियर थर्ड रो की अपन बात करें तो भाई ये 50-50% में फोल्डेबल है। एंड इसके हेडरेस्ट की बात करूँ तो भाई ये एडजस्टेबल आपको मिलती है, पूरे आपको हेडरेस्ट जो है ना एडजस्टेबल मिलते हैं। और पीछे से देखेंगे भाई बहुत सही लुक लग रहा है यार पीछे, तो फ्रंट में जाने में बहुत एक्साइटेड हूँ, वहाँ पे जानते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे। उससे पहले इसको बंद कर लेता हूँ यार। एंड साइड में आते ही आपको यहाँ पे जो देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे फ्यूल टैंक आपको दिख मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर बात करूँ मैं तो आपके यहाँ पे 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको कंपनी ऑफर करती है, जो भाई इस गाड़ी के लिए ह्यूज आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। इसके अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें यार तो चलो पहले चल लेते हैं इंजन पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे 1.4 टर्बो GDI का सीरीज़ का आपको यहाँ पे इंजन मिल जाती है 4 सिलेंडर के साथ। एंड अगर इसके मैक्सिमम पावर की बात करूँ तो भाई 138.05 BHP की पावर जनरेट करती है इंजन। इसके मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात करूँ यार तो यहाँ पे 242 Nm का यहाँ पे ये गाड़ी भाई टॉर्क जनरेट करती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे फुल्ली वायर्ड जो है आपकी कवर्ड मिलती है, बैटरी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, बैटरी भी फुल्ली कवर्ड आपको मिलती है। एक चीज़ भाई यहाँ पे इंजन प्रोटेक्शन आपको दे रखा है, थोड़ा सा वहाँ खाली है भाई ये चलेगा, पर यहाँ पे आपको इंजन प्रोटेक्शन दे रखा है, वो चीज़ बहुत सही लग रही है। एंड इसके अगर बात करें यहाँ तो ये भी कवर्ड होना चाहिए, पर आपके यहाँ पे ये वेरिएंट पे आपको ये चीज़ कवर्ड नहीं मिलती है। तो चलो पहले कर लेते हैं यार इसको बंद। सो गाइस ये तो फुल एक्सटीरियर, अगर इसकी बात करें इंटीरियर की तो पहले कर लेते हैं यार इसकी की बात, तो की भाई कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें लॉक अनलॉक एंड आपके यहाँ पे बूट ओपन करने का ऑप्शन आपको मिल जाती है। एंड रियर में आप देखो किया की बैचिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है भाई, फुल्ली आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री मिलने वाली है। तो गाड़ी को चलो कर लेते हैं अपन अनलॉक। सो भाई ये चुका है, हो चुका है अनलॉक। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड के आप हैंडल्स पे देखोगे तो आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा है, तो आप यहाँ से भी आप गाड़ी अनलॉक कर सकते हो। एंड डोर की अगर बात करूँ तो 90 डिग्री में तो ओपन नहीं होती भाई ये, तो मतलब बात करें तो 75 या 90 में आपके यहाँ पर डिग्री भी ओपन होती है। एंड यहाँ पर आप देखोगे यार डोटरी में आपको जो मिलने वाली है, डोर पे आप देखोगे तो सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट दे रखा है भाई, बहुत परफेक्ट लुक लग रहा है। यानी इंटरनल डोर हैंडल भी आपको सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट में आपको ऑफर करती है कंपनी। एंड ग्रैब हैंडल्स भाई बहुत यूनिक लग रहा है यार, ये देखो इसके ग्रैब हैंडल्स बहुत से यूनिक लग रहा है। यहाँ पर तो आप ऐसा लग रहा है भाई स्पेस दे रखा है, आप कुछ सामान रख दो, मतलब इतना यूनिक लग रहा है यार। यहाँ पर आप देखोगे तो अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर्स, भाई एक होता तो भाई होल्डर बोलता, पर यहाँ पर 2-3 दे रखे हैं इसलिए मैंने होल्डर्स बोल दिया। एंड यहाँ पर आप देखोगे यार तो यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट एंड चारों विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक एंड वार्मिंग को रिटायर एंड फोल्ड करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है भाई। एंड अगर इसकी बात करें भाई फ्रंट कैबिन की, तो बहुत ही आपको यहाँ पर लग्जरी फ्रंट कैबिन मिलने वाली है, मतलब लिटरली यार आप भी देख सकते हो कितना प्रीमियम है, कितना लग्जरी लग रहा है ये चीज़। एंड इसकी सीट की अगर बात करें तो आपके यहाँ पर फुल्ली जो है ना, यहाँ पे आप देखो यार तो पूरा आपको फैब्रिक अपोस्टी मिलने वाली है। साइड में अगर आप देखो तो लेदर अपोस्टी आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। एंड सीट की अगर बात करूँ तो हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक नोब दे रखा है, एंड यहाँ से आप सामने का बोनट ओपन कर सकते हो भाई। एक चीज़ और, यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ पे प्लेस दे रखा है, उधर साइड नहीं है। एंड यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हेडलैम्प कंट्रोलिंग का यहाँ पे सिस्टम आपको कंपनी ऑफर करती है। सो एंड एक चीज़ और बहुत प्रीमियम है भाई, स्टार्टिंग से ही मिल जाती है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भाई एसी कंसोल है, चेक ही नहीं होता यार। यहाँ पे देखोगे डार्क क्रोम सिल्वर कलर का फिनिशिंग एंड यहाँ पे एसी कंसोल आपका दे रखा है, जो कि देखने में तो नॉर्मल लगता है नहीं भाई एसी कंसोल है। एंड ये आपको छोटी छोटी चीज़ रखने में, मेमोरी कार्ड्स एंड ऑल दैट
पेन ड्राइव तो आप यहाँ पे रख सकते हो, इसका यहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। चलो चलते हैं इंटीरियर में बैठ के बात करते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको इंटीरियर में देखने को मिलते हैं। सो लेट्स गो गाइस। आ चुके हैं हम किया कारेंस के अंदर एंड अंदर आते ही भाई जो आपको स्टेयरिंग मिलने वाली है कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। बहुत ही प्यारा स्टेयरिंग मिल रहा है यार, मतलब सच बताऊँ तो। एंड यहाँ पे आप देखोगे पियानो ब्लैक फिनिशिंग का ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रखा है। एंड मिड में आप देखो किया कि बैचिंग में सराउंडेड आपके यहाँ सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट के साथ आपके यहाँ पे मिल जाती है। एंड डाउन पे अगर आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे यार स्टेयरिंग कार नहीं सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट पे ही दे रखा है भाई। एंड अगर बात करें लेफ्ट साइड में तो आपके यहाँ पे पूरे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल, कॉलिंग कंट्रोल्स एंड आपके यहाँ पे देखें वॉइस कमांड सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। लेफ्ट साइड में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल, MID कंट्रोल्स, सारी चीज़ों का फंक्शन आपको यहाँ पे स्टेयरिंग मिल जाता है। मतलब फुली बात करें और सीधा सिंपल में तो आपको माउंटेड स्टेयरिंग ऑफर की गई है। एंड यार स्टेयरिंग आपको नॉर्मल है, इस वेरिएंट में आपको लेदर स्टेयरिंग ऑफर नहीं करती है, लेदर रैप स्टेयरिंग। एंड चलो कर लेते पहले इग्निशन को ऑन। और भाई इस कदर कुछ भाई वेलकम करती है, मतलब बहुत ही स्पोर्टी एंड बहुत ही प्यारा लुक आपको यहाँ पे मिलता है भाई। इस चीज़ को देखने के बाद यह हुंडई वेन्यू में आप देखोगे सेम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है। एंड क्लस्टर का आप कलर से लाइट्स आप चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ से आप ये आई TPMS आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एवरेज कितना है, फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, सारी चीज़ें शो होगी। RPM मीटर इधर साइड दे रखा है, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे दे रखा है, फ्यूल गेज आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। ABS एबीडी ब्रेकिंग सिस्टम, आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रेजनर, सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो हो रही है भाई। एंड इसके अगर बात करें टच स्क्रीन डिस्प्ले की तो भाई टच स्क्रीन डिस्प्ले 8 इंच का डिस्प्ले आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB ऑक्स, सारी चीज़ें सिस्टम के साथ, नेविगेशन सिस्टम के साथ। फ़ोन तो कनेक्ट होगा भाई, नेविगेशन सिस्टम ऑलरेडी ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो वाइट रैप्ड है भाई यहाँ पे देखेंगे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग का ट्रीटमेंट कंपनी ऑफर करती है। एंड वही सेम चीज़ है भाई, यहाँ पे मिड ऑडियो दे रखा है, टच भी है भाई, टच प्लेयर है, यहाँ पे साउंड आप बढ़ा सकते हो इजिली। एंड एक चीज़ भाई बहुत प्रीमियम लगती है इसके डैशबोर्ड में, आप यहाँ पे देखेंगे ये भाई पूरा ऐसे विंड दे रखा है, मतलब जिस तरीके से जिस रो में दे रखा है भाई इतनी फिनिशिंग से दे रखा है लोगों को समझ भी नहीं आना है। इसमें यहाँ पे दिखा दो, मतलब बहुत प्रीमियमनेस लग रही है यार, मतलब सच बताऊँ। एंड यहाँ पे देखोगे फ्रंट कैबिन में यहाँ पे आप जो यहाँ पे जो दे रखा है भाई सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट जो लाइनिंग पे दे रखी है बहुत ही प्रीमियम लग रही है यार। मैं आपको रियर पे जाऊंगा उसके बाद भी दिखाऊंगा भाई, बहुत सच में मतलब लगने वाली है। एंड इसकी AC अगर बात करूँ तो ऑटो AC कंपनी ऑफर करती है इस पर्टिकुलर वेरियंट में। एंड डाउन पे आते यहाँ पे आप देखोगे पार्किंग का यहाँ पे दे रखा है पार्किंग मोड, USB चार्जिंग पोर्ट एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, Type-C चार्जिंग पोर्ट। एंड यहाँ पे देखोगे फ़ोन रखने का कुछ स्टोरेज आपको ऑफर करती है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है यार यहाँ पे, आपका खाली केवल फ़ोन रखने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिशिंग का ट्रीटमेंट एंड यहाँ पे सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। एंड गियर नोब की अगर बात करें तो आपको नॉर्मल मिलती है, यहाँ पे लेदर रैप नहीं मिलती है। एंड गियर बॉक्स सिस्टम की आप बात करूँ तो 6 मैनुअल स्पीड की यहाँ पे गियर बॉक्स दे रखी है विथ 1.4 लीटर TGDI टर्बो इंजन के साथ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डुअल का फोल्डर एंड यहाँ पे कूल्ड भाई कूल्ड का फोल्डर यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इजिली। आर्मरेस्ट दिया है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेदर रैप्ड है एंड आपको सॉफ्ट फिनिशिंग के साथ मिल जाती है। इसको उठाते ही भाई आपको यहाँ पे कुछ कुछ स्टोरेज ऐसे मिल जाती है। एंड डाउन पर अगर देखो तो स्टोरेज यहाँ मिल रहा है, बहुत आपको यहाँ पे स्टोरेज दे रखा है यार। एंड इसकी बात करें तो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलती, फिक्स्ड आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलती है। एंड एयर बैग की इस पर्टिकुलर वेरियंट में बात करूँ तो भाई 6 एयर बैग इस गाड़ी में कंपनी ऑफर करती है भाई, मतलब सेफ्टी में भाई मेजर फोकस किया गया है कारेंस में। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ग्लोव बॉक्स नॉर्मल है भाई यहाँ पे, मतलब केवल आप सर्विस बुक ही रख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो अपने पास कोको कोला है तो सारी चीज़ें यहाँ पे होल्डर दे रखा है भाई, आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो वो चीज़ ज़्यादा सही है। एंड अगर बात करें को ड्राइवर साइड के सनवाइजर की तो आपको वैनिटी मिरर के साथ ऑफर करती है कंपनी। एंड ड्राइवर साइड के सनवाइजर में आप देखोगे टिकट होल्डर के साथ कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर करती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यार सनग्लास होल्डर उस करते ही ओपन हो गया। एंड यहाँ पे देखोगे इल्यूमिनेशन लाइट, रूफ लाइट, माइक प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। को ड्राइवर साइड आप देखोगे ग्रैब हैंडल, एंड यहाँ पे भी देखो पैसेंजर साइड आपको ग्रैब हैंडल वहाँ पे भी ऑफर किया गया। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में स्पीकर्स की अगर बात करो तो 4-door स्पीकर्स आपको कंपनी में ऑफर करती है विद ट्यूटर के साथ भाई। सो गाइज ये तो फ्रंट कैबिन, चलो चलते पर रियर सीट में थर्ड रो पे क्या कुछ आपको वहाँ पे स्पेस मिलते हैं, कितना आपको स्पेसियस है गाड़ी, अपन रियर सीट पे जाके बात करते हो। सो चलो कर लेते हैं रियर डोर को ओपन।
एंड ये हो गया भाई रियर डोर ओपन। एंड रियर डोर ओपन करते ही डोर ट्रिम भी आपको सेम मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आप देखोगे जो डिज़ाइन में दे रखा है भाई, वहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल सेम ही मिलता है। पावर विंडो कंट्रोल्स सिल्वर कलर इंसर्टेड, आपको यहाँ पे फिनिशिंग मिल जाती है। इंटरन डोर हैंडल आपको सेम मिलती है सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ। एंड यहाँ पे आप देखो बॉटल होल्डर, ट्विन बॉटल होल्डर का प्लेसमेंट एंड यहाँ पे स्पीकर प्लेसमेंट आपको मिल जाती है भाई। एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे आप देखोगे भाई सनसेट भी इस गाड़ी में ऑफर किया गया है, जो कि यहाँ पे जो इसके अराइवल से कंपैरिजन कंपैरेटिवली कार आप देखोगे जिसमें नहीं करती है। एंड भाई रियर सीट अगर बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है, मतलब 60-40 की स्प्लिट में फोल्ड होने वाली है। 60% उधर अपने, यहाँ पे आप देखोगे 40% इधर दे रखा है। एंड एक चीज़ और बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो कि यहाँ पे ह्यूंडई अल्कज़ार में जो वेरियंट, जो भाई 19-20 लाख की गाड़ी में जो आपको फीचर्स मिलता है, जो यहाँ पे क्या ना आपको इसमें देख रहा है, वन टच टम्बल डाउन आपको यहाँ पे सीट दे रखा है भाई। वन टच टम्बल डाउन आपको सीट फोल्ड हो जाएगी। एंड चलो चलते पहले रियर सीट पे बैठ लेते हैं। रियर सीट में आपको यहाँ पे 50-50 वैसे फोल्डेबल, मैंने स्टार्टिंग बताया था। एंड बैठ गया भाई अपन रियर सीट में। एंड रियर सीट में आते ही यहाँ पे आप देखोगे कप होल्डर्स, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। एंड इधर साइड भी आप देखोगे कप होल्डर्स एंड यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। एंड रियर सीट की अगर स्पेस की अगर बात करूँ यार, तो थोड़ा सा जो कंजस्टेड है भाई, मतलब ये जो रियर सीट होगा बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट होने वाला है। एंड बच्चे अगर बैठेंगे तो वो 3 लोग बहुत ही आराम से बैठ सकेंगे। एंड रियर सीट में आप देखो जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलती है वो चीज़ बहुत सही है। पीछे भी आपको यहाँ पे शील्ड बेल्ट ऑफर कर रखा है कंपनी ने। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और, रियर एसी वेंट मिलता है भाई, पर आपको यहाँ पे रूफ में मिलता है। ये चीज़ बड़ा यूनिक सा लगा मुझे इसमें। एंड यहाँ पे आप देखोगे रूफ लाइट। एंड मिड में भी आप देखोगे एसी वेंट आपको यहाँ पे रूफ में मिलता है। एंड यहाँ पे मिड लाइट आपको यहाँ पे रूफ लाइट आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। तो चलो चलते हैं यार सेकेंड रो पे, उसके बाद अपन वहाँ पे देखते हैं कितना आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, थाई रूम, हेड रूम, सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो चलो लेट्स गो। एंड अपोस्ट्री देखोगे सेम आपको मिलने वाली है, फुल्ली आपको यहाँ पे फैब्रिक अपोस्ट्री। एंड साइड में आपको लेदर मिलने वाली है। एंड रियर में पूरा आपको यहाँ पे लेदर मिलने वाली है, जिसमें मैंने बताया था वन टच टम्बल डाउन। यहाँ से आप एक बार हल्का पुश कर दो ना यार, पूरा सीट फोल्ड हो जानी है। चलो पहले बैठ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यार बहुत ही कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ पे जो कार की मिलने वाली। मेरे भाई थाई सपोर्ट देख लो पहले यार, थाई मतलब पूरा, मतलब फुल यार, फुल थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती है। मतलब एंड हेड रूम, लेग रूम, शोल्डर रूम भाई बहुत ही परफेक्ट, क्योंकि इस गाड़ी की जो लेंथ है ना भाई अर्टिगा से कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी है। एंड कंफर्टेबल के मामले में देखो ज़्यादा है। एंड सेफ्टी भी आप देखो यार 6 एयरबैग इस पर्टिकुलर वेरिएंट में दे रखा है भाई इसने। मतलब चीज़ें तो हैं, सनसेट आपको उधर वाले में मिल जाती है बट रियर विंडशील्ड में आपको सनसेट नहीं मिलती है। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे जो है आप एसी कंट्रोल आपको यहाँ पे से कर सकते हो, एसी कंट्रोलिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखो डुअल टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे दे रखा है। एंड कूल्ड आपको यहाँ पे देखेंगे कूल्ड स्पेस दे रखा है, यहाँ पे भी आप कप रख सकते हो इजिली। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ मुझे भी और अच्छी लगी भाई, ये चीज़ आप यहाँ से जो है ना, जैसे अपन 7 सीटर कैपेसिटी तो है ही, जैसे इसको आप खींचेंगे इसके बाद ये जो है ना फोल्ड हो जाएगी, तो 6% के लिए बहुत सही है। एंड यहाँ पे आप देखो फुली लेदर एंड सॉफ्ट टच फिनिशिंग के साथ आती है। एंड ट्विन का फोल्डर आपको यहाँ पे ऑफर किया गया भाई, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे पर्टिकुलर वेरिएंट की। सो गाइज ये तो था फुली इंटीरियर। एंड पीछे से आपको दिखा दूँ फ्रंट कैबिन भाई, ये देखिए भाई कितना प्यारा लुक लग रहा है यार, मतलब भाई देखने में ना दिल खुश हो गया लिटरली यार। सो गाइज ये तो था इंटीरियर का फुल रिव्यू, चलो चलते अपन एक्सटीरियर पे। सो गाइज ये तो था किया कारेंस प्रेस्टीज प्लस का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन फॉर अराइवल्स वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।